समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में यहाँ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में आज हमने सहारनपुर नगर से नामांकन किया है। सहारनपुर का चतुर्मुखी विकास किस तरह से हो सके, ये एक इस तरह के विजनरी नेतृत्व में ही पॉसिबल है जो माननीय अखिलेश यादव जी का है। अभी सहारनपुर से रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर उनकी असेंबली में होने के बावजूद, पार्टी में केवल एक विधायक के बावजूद भी उन्होंने जिस तरह से सहारनपुर को अपनी गोद में लेकर मुजफ्फरनगर से सहारनपुर तक के 4 लेन को देने का काम किया और उस सब के अलावा तमाम चीज़ों पर जिस तरह की उनकी सघन निगाह है, आगामी आने वाले दौर में हम ये विश्वास रखते हैं कि सहारनपुर को सांस्कृतिक रूप में, खेल के रूप में, सहारनपुर के नागरिकों के इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ के रूप में, तमाम रूप में हम किस तरह से सहारनपुर को सुविधाएं देने का काम कर सकें। एक नुकसान सहारनपुर के लोगों को हुआ, निर्णय दिमाग से नहीं दिल से हुआ। 2014 के चुनाव में वो हिस्सेदारी शासन में जो हमें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली और लगभग 1000 करोड़ रुपये का नुकसान नगर सहारनपुर के विकास को हुआ। हम चाहते हैं पेपर मिल रेलवे क्रॉसिंग पर रेलवे ओवरब्रिज बने। हम चाहते हैं छात्रों के अनुरूप कंपनी बाग को हमारी मांग के अनुरूप जो विज़न डॉक्यूमेंट हमने जमा किया है हॉर्टिकल्चर विश्वविद्यालय बनाया जा सके। हम चाहते हैं कि सहारनपुर में दिल्ली यमुनोत्री मार्ग को 4 लेन बनाने का काम जो पिछले लंबे समय से लंबित है उसे किया जा सके और उसके लिए दिल्ली से अम्बाला रोड होते हुए बेहट रोड का बाईपास बनाने का निर्माण जल्दी से जल्द हम पूरा कराने का काम कर सकें। हम मिनी ओलंपिक के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के साथ सहारनपुर महोत्सव की सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए फिर दोबारा किस तरह धरातल पर उतारने का काम करें, ये सपने हमारे मन में हैं। हम किस तरह यहाँ पुस्तक मेला से लेकर पर्यावरण को किस तरह से संरक्षित रख सकें, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की नई भूमिका किस तरह से तय करने का काम कर सकें, सहारनपुर के लोगों की सोच को किस तरह से स्मार्ट बना सकें, निश्चित रूप के लिए उसके लिए सबसे पहली शर्त है और वो शर्त है मोहब्बत की, वो शर्त है इंसानियत की, वो शर्त है भाईचारे की। जब तक ये जहन नहीं बनेगा ये मुख्य एजेंडे के रूप में, निश्चित रूप से तब तक हम सहारनपुर को एक नई दिशा नहीं दे पाएंगे। आज पूरा सहारनपुर परेशान है और परेशान है नोटबंदी के आधार पर। नोटबंदी की वजह से पूरा सर्राफा बाजार जमीन पे बैठ गया है। रियल इस्टेट का काम करने वाले लोग करहा रहे हैं। हौजरी का काम करना 20% मात्र रह गया है। लकड़ी की नक्काशी का एक्सपोर्ट के ऑर्डर कैंसिल हो गए हैं। इन तमाम चीज़ों के साथ में, उन संवेदनाओं को साथ लेकर हम किस तरह से नौजवानों के लिए